सकी सैया को महंगाई ने तो खाया ही, लेकिन उनके साथ साथ एक गलती की वजह से फिल्म को मिलने वाले नेशनल अवार्ड्स भी दूसरी फिल्मों की झोली में चले गए। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू अ लीडिंग टैब्लॉइड ऑफ मुंबई, अनुषा रिज़वी की फिल्म पी3 लाइफ को नेशनल अवार्ड के लिए रजिस्टर ही नहीं कराया गया था और इसी वजह से फिल्म को नहीं मिला कोई भी अवार्ड। फिल्म की डायरेक्टर अनुषा रिज़वी की माने तो फिल्म को रजिस्टर कराने का काम प्रोडक्शन कंपनी का था, जो उन्होंने न जाने क्यों नहीं किया। यहाँ अनुषा का साफ साफ इशारा आमिर खान की तरफ है, क्योंकि जमाना जानता है कि पी3 लाइफ को आमिर खान प्रोडक्शन हाउस ने ही प्रोड्यूस किया है। हालांकि इस खबर पर अभी आमिर खान की तरफ से कोई भी वर्जन नहीं आया है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब अनुषा रिज़वी और आमिर खान के डिस्प्यूट की खबरें मीडिया की हेडलाइंस बनी हों। इससे पहले रिपोर्टेडली अनुषा ने आमिर खान पर ऑस्कर के लिए लॉबिंग करने तक के इल्जाम लगाए थे। इन द लास्ट 5 इयर्स ऑफ द ऑस्कर लॉबी सिस्टम्स हैव बीन पुट टू रेस्ट। अगर फिल्म में दम है तो फिल्म हाईजैक नहीं हो सकती, कौन कर लेगा हाईजैक। और अब एक बार फिर नेशनल अवार्ड में फिल्म को रजिस्टर न कराने की वजह से अनुषा ने आमिर पर इनडायरेक्टली साथ दिया है निशाना। अब देखना ये होगा कि इस पर आमिर खान का रिएक्शन क्या आता है।